चेतश्च अचेतनः चेतनम् इव आभाति ही अतो अन्य अधिष्ठाता, अन्य जोड़ लेना यहाँ, अतो अन्य अधिष्ठाता पुरुषे इति। यतश्च जिसके कारण अचेतनः चेतनम् इव आभाति, ये जो अचेतन बुद्धि आदि हैं ये चेतन जैसे आभासित होते हैं, जिसके कारण से ये अचेतन जड़ प्रकृति चेतन चेतनम इव आभाति, चेतन जैसे दिखाई दे रहे हैं, अतः अन्य अधिष्ठाता पुरुष इति, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, हमने जान लिया कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान मैं तो अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तो उभयम इंद्रियम में मन भी आ गया और मन के ही फिर चार भेद हैं अंतःकरण के ही, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये हमें स्पष्ट पता ही है कि हमारा मन बुद्धि क्या है, जड़ है, अचेतन है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अचेतन में भी कैसा आभास होता है हमें, चेतन जैसा, मन बुद्धि से जो कुछ भी हम सोचते हैं बोलते हैं तो हमें क्या आभास होता है, चेतन जैसे, इसलिए हम मैं का प्रयोग भी करते हैं। तो इससे पता लगा कि जिसके कारण ये चेतन जैसे आभासित हो रही है तो जरूर इससे अतिरिक्त कोई चेतन भी है, तो कोई चेतन भी है ये हमें किससे पता लगा, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से, व्यक्तम प्रत्यक्ष साध्यम, जो व्यक्त प्रकृति है वो तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है, तस्मादपि च असिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम, और जो उससे भी असिद्ध है, उससे भी मतलब अनुमान से भी और प्रत्यक्ष से भी, वो जो परोक्ष चीजें हैं वो आप्त आगमात् सिद्धम, वो आप्त वचन से आगम प्रमाण से सिद्ध होती हैं। यथेन्द्रो देवराजः, इन्होंने भी उदाहरण वही दिए हैं, उत्तराः उरुवह स्वर्गे अप्सरस, तो ये सारी चीजें परोक्ष हैं, देवराज देवों का राजा इंद्र है, तो देखा नहीं कभी, ना कभी देव देखे ना कभी उनका राजा देखा, लेकिन आप्त प्रमाण से ही मान लिया। और उत्तराह कुरुवह, कौरव उत्तर दिशा में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं उत्तर दिशा में, उत्तर तो बहुत बड़ा है, ये भी नहीं देखा। स्वर्गे अप्सरसः, स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, ना स्वर्ग देखा ना कभी अप्सरा देखी, तो भी शब्द प्रमाण से मान लिया। तो कह रहे हैं यहाँ जो आप वर्णन कर रहे हैं तो कुछ चीजें तो दिख जाती हैं और कुछ चीजें तो नहीं दिखती हैं, इसका क्या कारण है, कुछ की उपलब्धि हो जाती है कुछ की उपलब्धि नहीं होती है, चीजें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो कह रहे हैं कि उसका कारण है क्यों उपलब्ध नहीं होती हैं। बोल लीजिए, अति दूरात सामिप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच्च, ये इतने कारण हैं, आठ कारण हैं ये, कोई चीज अत्यंत दूर हो अति दूरात तो भी दिखाई नहीं देती है, जैसे कोई चीज रखी है लेकिन वो बहुत दूर है हमारे से, मानो कि योगग्राम में कोई मशीन रखी है, हमें पता है हमने वो मशीन पहले देखी थी वहां गई तब, लेकिन अब यहाँ बैठे हुए तो हमें नहीं दिख रही है, वो व्यक्ति भी नहीं दिख रहे, डॉक्टर नीरज जी नहीं दिख रहे, पर हमें पता है कि वहां है, तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, अति दूरात, अति दूरात सामिप्यात, बहुत समीप हो तब भी नहीं दिखता है, आंख का अंजन नहीं दिखता है, क्योंकि वो आंख से तो सब चीज देखी जाती है, और वो आंख के इतना नजदीक आ गया कि वो फिर दिखता नहीं है, फिर उसको शीशे में देखना पड़ता है, आंख से नहीं देखा जाता है, हाँ शीशे बिल्कुल सटा लेंगे तो शीशे में भी नहीं दिखेगा, उसमें भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, पर आंख के तो नजदीक है ना, तो यही देख लेना चाहिए ना आंख को, लेकिन वो ज्यादा ही नजदीक आ गया, यहां से भी होता ना अगर अंजन तो आंख देख लेती उसको,
बिल्कुल उसके साथ ही चिपक गया। अति दूरात अति सामिप्यात इंद्रिय घातात, अगर किसी इंद्रिय में ही कोई खराबी आ गई तो भी वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। आंख में ही कोई खराबी आ गई तो नहीं दिखेगा। इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात, इंद्रिय भी ठीक है लेकिन मन स्थिर नहीं है तो भी वस्तु होते हुए भी नहीं मिलेगी। तो कई बार ऐसे होता है ना, बच्चे को कहें कि वहां से वो लेके आओ, या बड़े को भी कहते हैं वहां से वो लेके आना पुस्तक, चार बार चक्कर लगा के आ जाते हैं, पुस्तक ही नहीं लाते। बोलते नहीं मिली, मैंने तो सब ढूंढ लिया वहां पे। और फिर ये पांचवी बार खुद जाता है जिस व्यक्ति ने मंगवाई थी, वो कहता है कि देख ये रखी है कि नहीं रखी है। बोल मैंने तो अच्छे से देखा था, मुझे तो नहीं दिखी है, वो कहाँ से आ गई, आई कहीं से नहीं, ये यहीं थी, तेरा मन स्थिर नहीं था इसलिए नहीं दिखी थी। ऐसे होता है। मनो अनवस्थानात, मन के अवस्थित न रहने से भी वस्तु के होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं होती है। सौक्ष्म्यात, कोई वस्तु इतनी सूक्ष्म हो तो होते हुए भी उसकी उपलब्धि नहीं होती है। आत्मा आदि बहुत सूक्ष्म है, हमें पता है शरीर में तो भी उपलब्धि नहीं हो रही है। व्यवधानात, वस्तु के और हमारी इंद्रिय के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो भी उपलब्धि नहीं होती है। चाहे इस दीवार के पीछे ही कुछ रखा है लेकिन दीवार का व्यवधान आ गया तो मुझे दिखाई नहीं देगा बाहर क्या है। अभिभावात, अभिभाव होने से, अभिभाव होता है दबा देना। दिन में सूर्य का प्रकाश है वो चंद्र तारों का अभिभाव कर देता है, वो दिखते नहीं है होते हुए भी, क्योंकि ये प्रकाश ज्यादा है उसका प्रकाश कम था, तो ज्यादा प्रकाश ने कम प्रकाश वाले का अभिभव कर दिया। अभिभवात समानाभिहाराच्य, और एक जैसे ही का ही समाहार हो जाए, एक ही जैसी चीजें हो, तिल रखे थे उनमें एक तिल आपने और डाल दिया, अब आपसे कहें कि आप वाला तिल निकाल के लाओ तो कैसे निकालेंगे, वो तो मिल गया उनमें ही है। कौन ऋषि? ऋषि भी पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं, तो ठीक हो देखना पड़ेगा। पर वो समान चीजों में मिल जाने से भी उस वस्तु की अनुपलब्धि हो जाती। वस्तु तो है, हम कहेंगे डाला तो था अभी इसी में, गेहूं की ढेरी पड़ी है या मूंग की है, तिल की है, उसमें एक आप अपने वाला भी डाल दो और फिर कहीं अपने वाला ही निकाल के लाओ, तो बोले गिरा तो यहां था, तो आप मुट्ठी भर के लाएंगे कि इनमें से कोई एक है। ठीक है, किससे? हम्म, नहीं किसकी गति, आपकी की वस्तु की? जैसे हाँ? ट्रेन, पता तो लगता है ना ट्रेन गुजरी, हाँ वो तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो आपका चित्त वहां अवस्थित नहीं हुआ ना उसे शब्दों के ऊपर, उसी में ही आता तो अवस्थित हो जाता, चित्त अवस्थित हो जाता वहां, अनवस्थितत्व में ही आ जाएगा। अनवस्थितत्व में मन में, मनो अवस्थानात अनवस्थानात, मन तो क्या करते देखना है आज लेकिन दिखता नहीं है, हाँ तो वो गति में इसलिए अवस्थित नहीं हुआ ना वहां, मन हमारा स्थित नहीं हुआ ना, तो इसी में आ जाएगा, सब इसी में आ जाएंगे। अनुपलब्धि के जो कारण आठ है ना, तो कोई वस्तु क्यों अनुपलब्ध होती है वो इसी में आ जाएगा। अत्र कश्चिद आह, तो ये तो मतलब सामान्य ही है ऊपर तो। अति दूरात सामिप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच्य अर्थानाम अनुपलब्धिर भवति। अत्र कश्चिद आह प्रधानम पुरुषो वा नोपलभ्यते, कह रहे हैं आप ये प्रकृति पुरुष इसका इतना वर्णन करते हैं, ये मिलते तो नहीं है। यच्च नोपलभ्यते लोके तन्नास्ति, और जिसकी उपलब्धि नहीं होती वो नहीं होता है। लोक में तो ऐसे ही होता है, कोई वस्तु है तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है इसका मतलब वो वस्तु नहीं है।
जैसे क्लास में गाय नहीं है, क्योंकि गाय की उपलब्धि नहीं हो रही है, उपलब्धि नहीं हो रही है तो गाय है ही नहीं। तो लोक में तो यही देखा जाता है कि जिस वस्तु की उपलब्धि यच्च न उपलभ्यते, जिसकी उपलब्धि नहीं होती है, तन्नास्ति लोके, लोक में वो वस्तु होती ही नहीं है। तस्मात् तौ अपि नस्तः, इसलिए प्रकृति और पुरुष भी हैं ही नहीं, हम तो ऐसा मानेंगे, होते तो दिखते, और जो दिखता नहीं है वो होता भी नहीं है। यथा द्वितीयम शिरः, जैसे सिर एक तो दिखता है, दूसरा सिर यदि होता तो दिखता, नहीं दिखता है इसका मतलब दूसरा सिर होता ही नहीं है, एक ही सिर होता है, तो जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है। तृतीयो बाहु रीति, तीसरी भुजा, तीसरी बाहु यदि होती तो दिखती, नहीं दिखती है तो मतलब है ही नहीं, दो ही बाहु हैं। तदुच्यते, तो अब उसका उत्तर देते हैं। अत्र सताम अपि अर्थानाम अष्टधा उपलब्धिर न भवति, ठीक है। अत्र सताम अपि अर्थानाम, पदार्थों के होते हुए भी आठ प्रकार से उपलब्धि नहीं होती है, ये आठ कारण बनते हैं जिससे होते हुए भी वस्तु नहीं मिलती है। तद्यथा, पहला, यह सताम अपि अर्थानाम अति दूरात अनुपलब्धिर दृष्टा, वस्तु के होते हुए भी यदि वो बहुत दूर है तो उसकी अनुपलब्धि देखी जाती है। यथा देशांतर स्थानानाम चैत्र मैत्र विष्णु मित्राणाम, जैसे किसी दूसरे स्थान में कोई चैत्र मैत्र विष्णु मित्र नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं, हमारे संबंधी रहते हैं, तो वो हैं लेकिन होते हुए भी हमारे को उनकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, बहुत दूर हैं। जैसे आपके माता पिता, आपके संबंधी, आपके मित्र, वो सब हैं पृथ्वी पे, उनका अस्तित्व है लेकिन दूर होने से नहीं दिखते, अति दूरात। सामीप्याद यथा चक्षुषान जनान अनुपलब्धि, चक्षुषान जन अनुपलब्धि, चक्षु के अंजन की अनुपलब्धि होती है, जैसे क्योंकि अंजन चक्षु के अत्यंत समीप है। तीसरा, इंद्रियाभिघातात यथा बधिर अंधयोः शब्द रूपानुपलब्धि ही, इंद्रिय का अभिघात होने से भी, जैसे बहरा व्यक्ति है, बहरे का मतलब है कान में अभिघात हो गया, डैमेज हो गया कान, और अंधे का मतलब है आंख में, चक्षु इंद्रिय में कोई फॉल्ट आ गया, तो बहरे को शब्द की और अंधे को रूप की अनुपलब्धि होती है। रूप तो है बाहर, शब्द तो है, लेकिन उनको उपलब्धि नहीं हो रही क्योंकि उनकी इंद्रिय में अभिघात हो गया है। मनो अनवस्थानात, मन के अनवस्थित होने से, अस्थिर होने से, यथा व्यग्र चित्तः सम्यक कथितम अपि न अवधारयति, जैसे जब जिसका चित्त व्यथित होता है ना, स्थिर नहीं होता है, तो अच्छी प्रकार से भी उसको कोई बात कही जाए तो भी उसकी समझ में नहीं आती है, न अवधारयति, वो उसका अवधारण नहीं करता है, उसको ठीक से सुन नहीं पाता है, जैसे कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं जो कभी कभी कहती हूँ ना फिर अगले दिन करते ही नहीं है, तो इसका मतलब चित्त व्यग्र था। सूक्ष्मता से भी कभी कोई वस्तु अनुपलब्ध होती है, यथा धूम औष्म जल निहार परमाणवो हो गगनगता नोपलभ्यन्ते, जैसे धुआं के, ऊष्मा के, जल के, निहार कोहरा के जो परमाणु हैं छोटे छोटे, थोड़ी दूर तो वो जाती हुई दिखाई देती है धुआं, उसके बाद नहीं दिखाई देती है क्योंकि वो परमाणु अत्यंत बिखर गए वहां पे जाके। ऐसे ही धुआं के, ऊष्मा के भाप निकलती है ना, उससे दिखाई देती है, फिर ऊपर जाके नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही जल के, जल उड़ता हुआ, फिर ऊपर जाके दिखाई नहीं देता है। निहार कोहरा, तो कोहरा भी वो परमाणु तो होते ही हैं लेकिन जब वो टूट जाते हैं परमाणु तो दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सूक्ष्म हो जाते हैं ये, इस सब के परमाणु गगनगता जब वो आकाश में ऊपर चले जाते हैं ना, उपलब्धन्ते, तो उपलब्ध नहीं होते हैं। व्यवधानात, किसी चीज का व्यवधान होने से भी अनुपलब्धि होती है। कुड्येन पिहितम वस्तु नोपलभ्यते,
दीवार के द्वारा जो ढकी गई है वस्तु, दीवार का व्यवधान आने से कोई वस्तु वहां रखी है तो वो उपलब्ध नहीं होती है। अभिभवात, अभिभव होने से भी नहीं मिलती है। सूर्य तेजसा अभिभूतः ग्रह नक्षत्र तारकादयो नोपलभ्यन्ते। सूर्य के तेज से अभिभूत हुए हुए ग्रह नक्षत्र और तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, रात को दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके प्रकाश का अभिभव कर दिया सूर्य के प्रकाश ने। समानाभिहारात यथा मुद्गराशौ मुद्गः क्षिप्तः, जैसे मूंग की एक राशि पड़ी थी और उसमें एक मूंग डाल दिया आपने, तो अब उसकी उपलब्धि नहीं होगी, वापस नहीं ला सकते। कुवलयामलके क्षिप्ते है, कपोत मध्ये कपोतो नोपलभ्यते। कमल या आंवला, इनके ढेर में एक कमल आपने उसमें डाल दिया या एक आंवला आपने उसमें डाल दिया, तो फिर उसकी अलग से उपलब्धि नहीं होती है। कपोत मध्ये कपोता, बहुत सारे कबूतरों का झुंड था, उसमें आपने एक कबूतर अपने वाला भी छोड़ दिया, बिल्कुल वैसा ही हो भू, अब आपको पता नहीं लगेगा मेरे वाला कौन सा है, हैं? कपोत नोपलभ्यते। समान द्रव्यम अध्याहृतत्वात्, तो वो समान द्रव्य के बीच में आहृतत्वात् हर लिए जाने से, उसके समान द्रव्य था उसमें वो भी चला गया, तो उनके द्वारा उसका हरण कर लिया गया, उसकी अलग आइडेंटिटी को मिटा दिया गया। एवं अष्टधा अनुपलब्धि सताम अर्थानाम इह दृष्टा। तो इस प्रकार से आठ ये ऐसे साधन हैं जिससे पदार्थों के होते हुए भी देखे नहीं जाते हैं, वो उनके अनुपलब्धि देखी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि आपने दूसरे दूसरे उदाहरण दे दिए, आप प्रकृति पुरुष की बात करो ना, हमने तो उसका पूछा था कि ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं। बोलिए, सौक्ष्म्यात तद अनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस तदुपलब्धि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। करें उनकी अनुपलब्धि हो रही है सौक्ष्म्यात, सूक्ष्मता के कारण, सूक्ष्म है ना दोनों। सौक्ष्म्यात तद अनुपलब्धिर न अभावात, उनका अभाव नहीं है, अभाव के कारण उनकी अनुपलब्धि हो रही है ऐसा नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता के कारण उनकी अनुपलब्धि हो रही है। कार्यतस तद उपलब्धि, प्रधान के बारे में कह रहे हैं पहले, प्रधान की सूक्ष्म होने के कारण उपलब्धि नहीं हो रही है हमें, लेकिन उसके कार्य को देख करके तो उपलब्धि हो ही रही है ना, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होता है। महदादि तच्च कार्यम, उसके कार्य क्या है, महदादि जो 23 विकृतियां हैं वो ही उसके कार्य हैं। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, और वो कार्य कैसे हैं, मूल प्रकृति से विरूप भी हैं, विशेष रूप वाले भी हैं, और स्वरूपम च समान रूप वाले भी हैं, त्रिगुणात्मकता उनमें अनुस्यूत हो रही है, ये तो स्वरूपता है, और अलग अलग उनका जो अपना अपना अस्तित्व है वो उससे विरूपता है, विशेष रूपता है। तो जैसे लोक में भी देखा जाता है ना कि जो पुत्र पुत्रियां हैं वो अपने माता पिता के स्वरूप भी होते हैं, विरूप भी होते हैं, तो कुछ चीजें तो उनमें वहीं से ही आती हैं, वैसी ही आती हैं, और बिल्कुल हाँ आती है ना, स्ट्रक्चर भी आता है, आदतें भी आती हैं, स्वभाव भी आता है, आवाज भी आती है, वाणी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बीमारी भी आती है, क्यों नहीं आएंगी, गुण आते हैं तो दोष क्यों नहीं आएंगे। और कुछ उसकी अलग, उसका अलग अस्तित्व भी होता है, मतलब ऐसे देखे तो बालक क्या है, माँ के ही शरीर का एक पार्ट है, उसी ने तो अपने उससे बनाया ना, अपने खून से, लेकिन उसका अलग अस्तित्व भी है, माँ का भी अस्तित्व, स्वरूपता भी है, विरूपता भी है, दोनों ही बातें हैं। तो ऐसे ही प्रकृति है।
सूक्ष्म्या तद अनुपलब्धि न अभावात्, सूक्ष्मता से उसकी प्रधान की अनुपलब्धि है, अभाव के कारण नहीं। कार्यतः तदुपलब्धि कार्यम महदादि तच्च प्रकृति विरूपम स्वरूपम च एवं च अस्ति किम अभ्युपगम्यते। ये कहकर के इसे क्या निकला, ये जो आपने ऊपर बताया कि आठ कारणों से उपलब्धि नहीं होती है पदार्थों की, फिर प्रकृति पुरुष के बारे में बताया सूक्ष्मता से, वो सूक्ष्म होने से उनकी उपलब्धि नहीं होती, तो इसे क्या कहना चाह रहे हैं आप, नहीं कुछ समझ में आया। किम अभ्युपगम्यते तो कह रहे हैं प्रधान पुरुषयोरपि एतयोर वा अनुपलब्धि केन हेतुना, केन च, ये उ लगा लेना है ना, उ इसमें थोड़ा मीठा हुआ है, अनुपलब्धि हो रखा है, अनुपलब्धि कर लेना, अनुपलब्धि केन हेतुना केन च उपलब्धि। तो कह रहे हैं ये जो प्रधान और पुरुष हैं इन दोनों का भी जो अनुपलब्धि है वो केन हेतुना, किस हेतु से, तो इनकी अनुपलब्धि है, और केन च उपलब्धि और किस कारण से इनकी उपलब्धि होती है वो बताइए। तद उच्यते उसका उत्तर दे रहे हैं सौक्ष्म्या तद अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण तो उसकी अनुपलब्धि है प्रकृति की। एक को ले रहे हैं पहले प्रधानस्य इत्यर्थ, यहाँ प्रधान के बारे में कह रहे हैं, पहले प्रकृति के बारे में कह रहे हैं। प्रधानम सौक्ष्म्या नोपलभ्यते, प्रधान प्रकृति सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं होती है। यथा आकाशे धूम उष्म जल निहार परमाणवः संतो अपि नोपलभ्यन्ते, जैसे आकाश में धुआं उष्म जल निहार आदि के जो परमाणु हैं वो होते हुए भी उपलब्ध नहीं होते हैं। कथम तर्हि तदुपलब्धि, तो फिर उसकी उपलब्धि होती कैसे है। कार्यतस् तदुपलब्धि ही, उसके कार्य से उसकी उपलब्धि हो जाती है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। अस्ति प्रधानम कारणम, जैसे आप लोगों की, आप क्या पढ़ाई करते हैं, कैसे जीते हैं, तो वो तो पता नहीं चलता है, आप अपने कमरे में जाने के बाद बंद कर देते हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपको याद कितना कितना सुना पाते हैं, आचरण कैसा है, तो उससे पता लगता है कि पढ़ाई भी करते हैं और साधना भी करते हैं। तो कार्य से भी पता लगता है ना कारण का, और कार्य यदि उल्टा पुल्टा कर रहा है तो कारण कैसा होगा, जरूर उसकी दिनचर्या जो है वो कैसी होगी, अनुचित होगी, अव्यवस्थित होगी, अशुद्ध होगी। तो ये कह रहे हैं कार्यतस् तदुपलब्धि, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया जाता है। अस्ति प्रधानम कारणम यस्य इदम कार्यम, जिसका ये सारा कार्य दिखाई दे रहा है तो फिर इसका कोई कारण भी होगा, और जो कारण है वो ही क्या है, प्रधान है। बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि एव तत्कार्यम, ये उसका कार्य है। बुद्धि अहंकार पांच तन्मात्राएं एकादश इंद्रियां पंच महाभूत, तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम, और ये जो कार्य है, ये जो 23 तत्व हैं, ये प्रकृति से विशेष रूप वाले हैं, विरूप हैं, ये हूबहू प्रकृति ही नहीं है। अब इंद्रियों का अपना एक अलग रूप है, अहंकार का अपना रूप है, बुद्धि का अपना एक अलग अस्तित्व है, तन्मात्राओं का अलग है, पांच भूतों का अलग है, तो सारे के सारे क्या हैं, विरूप विशेष रूप वाले हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो प्रकृति विरूपम, प्रकृति ही प्रधानम तस्य विरूपम प्रकृते असदृशम, प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर प्रधानम, और तस्य विरूपम का अर्थ है प्रकृते असदृशम, प्रकृति से जिनकी सदृश्यता नहीं है, प्रकृति के ही समान नहीं है। सरूपम च, और सरूप भी है माने बिल्कुल भिन्न भी नहीं है, नितांत भिन्न भी नहीं है। समान रूपम च, समान रूप वाले भी हैं। यथा लोके पितुः तुल्य इह पुत्रो भवति अतुल्यश्च, लोक में भी देखते हैं कि पुत्र पिता के समान ही होता है और असमान भी होता है, तो कुछ तो भिन्नताएं होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं।
येन हेतुना तुल्यम अतुल्यम तद उपरिष्टाद वक्षामः। तो किस हेतु से तुल्यता होती है और किस से अतुल्यता होती है ये आगे बताएंगे। उपरिष्टात मतलब आगे। चलिए, असत्करणात् उपादानात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। असत्करणात्, असत्करणात् मतलब जो असत है उसको तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो इस कारिका के माध्यम से सत्कार्यवाद की स्थापना कर रहे हैं। असत्करणात् उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण होने से। उपादान का ग्रहण मतलब कोई वस्तु बनाई जाती है, जब घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी चाहिए ना, तो उपादान का ग्रहण होने से। सर्वसंभवाभावात् सबसे सब की उत्पत्ति असंभव होने से। केवल मिट्टी से संसार की सब चीजें बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सोने वाली कैसे बनाएंगे मिट्टी से? सोने से सारी वस्तुएं बना सकते हैं? नहीं बना सकते, मिट्टी वाली नहीं बना पाएंगे। तो जिससे जो बन सकता है ना उससे वही बनता है। सर्व संभव अभावात् सभी संभावनाओं का अभाव होने से। शक्तस्य शक्यकरणात् जो जिसको करने में समर्थ है वही उसको कर सकता है। जैसे किसी को मिट्टी का घड़ा चाहिए तो वो मिट्टी से ही बन सकता है। घड़ा तो सोने चांदी से बन जाएगा लेकिन वो मिट्टी वाला परिणाम नहीं देगा। तो जो जिससे बनना संभव है वो उसी से ही बनता है। कारण भावाच्य और कारण का जैसा होने से, माने जो कार्य है वो कैसा होता है? कारण भाव वाला होता है। जैसा वस्त्र है वैसा ही उसका कारण रहा होगा। अगर कारण सूती है तो वस्त्र भी सूती बनेगा। कारण यदि सिल्क है तो वस्त्र सिल्क बनेगा। तो कारण भावाच्य कारण का भाव होने से सत्कार्यम, ये कार्य कैसा है? सत वाला है। इसका कोई उपादान कारण भी है, उसकी कोई संभावनाएं हैं, उसके अपने गुण कर्म स्वभाव हैं, वो ही इसमें आ रहे हैं। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है या अपना शरीर दिखाई दे रहा है, अपने शरीर में बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं और सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, स्थूल भूतों से स्थूल शरीर बना ही है, तो ये सारी की सारी प्रकृति यहाँ दिखाई दे रही है ना, तो जरूर इसका कोई कारण भी होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो इसके भाष्य की हम कल चर्चा करेंगे, आज यही विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।